खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में इस बार के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में एक तरफ जहां बसपा से पूर्व मंत्री व दो बार से विधायक ओपी सिंह प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे, तो वहीं सपा सरकार में अखिलेश के नजदीकी कहे जाने वाले अरुण वर्मा भी मजबूती से चुनावी मैदान लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी जयसिंहपुर क्षेत्र के जुझारू नेता अभिषेक सिंह राणा चुनावी मैदान में रहे। इन सब के बीच दो विधानसभा चुनाव में रनर की भूमिका में रहे राजप्रसाद उपाध्याय। राजबाबू ने भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर अन्य पार्टी प्रत्याशी को भारी वोटों से शिकस्त देने का काम किया। इस चुनाव में राजप्रसाद उपाध्याय को 85,011 रनर की भूमिका में रहे। सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा को 69,022, बहुजन समाज बसपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह 39,827, कांग्रेस पार्टी के युवा व जुझारू प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा को महज 4,125 वोटों से संतोष करना पड़ा। सदर विधानसभा क्षेत्र ने पुनः यह साबित कर दिया, सदर विधानसभा क्षेत्र से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी पार्टी की प्रदेश में सत्ता होती है। जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर भाजपा विधायक बने राज प्रसाद उपाध्याय व उनके समर्थकों में खुशी व्याप्त है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र से मीडिया प्रभारी रमेश अग्रही, व्यापार मंडल के प्रदेश पदाधिकारी रविंद्र त्रिपाठी, उनके अनुसूचित जयबाबू उपाध्याय, गिरदावल उपाध्याय, हरशंकर उपाध्याय आदि लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया।